राजस्थान की आन बान शान और ये कहूंगा कि शेखावाटी का दूध। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ दी मरुधरा। आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट ना बन जाए, ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवी स्पॉट 87.7 की MPL का बेजोड़ माइलेज। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है सिर्फ एक रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल, क्लिनिक प्लस सिर्फ एक रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। एवरीडे आई सी थिंग्स अराउंड मी दैट बॉदर मी। There's discrimination, corruption, bad roads, and not enough resources. I could easily shrug my shoulders and say ki is desh ka to kuch nahi ho sakta and move on. Or I can say is desh ka bahut kuch ho sakta hai. And I am involved in making that happen. Teacher who? What kind of an example will I set if I do nothing? I am in. SSP में कैल्शियम, फॉस्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ दी मरुधरा। फिल्मी हिंदी सिनेमा जगत में, टीवी जगत में एक जाना पहचाना नाम, एक बहुत ही फेमस करैक्टर, एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान जिन्होंने बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी राजस्थानी मूवीज की और अपना नाम कमाया राजस्थान की आन बान शान और ये कहूंगा कि शेखावाटी का भूत। बाकी मोनिया बताएंगे। ये एक ऐसी शख्सियत की बात हो रही है जिन्हें हम लेजेंडरी अवार्ड देने जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में मैं ज्यादा कहूं उससे बेहतर ये होगा कि आप देखें भी और सुने भी। क्षितिज कुमार, 14 फरवरी 1951 को क्षितिज कुमार का जन्म सीकर जिले के दाता कस्बे में हुआ। इन्होंने बीकॉम, पीजी इन लेबर और एलएलबी प्रोफेशनल में अपनी पढ़ाई की। 1979 में वासुदेव चटर्जी की फिल्म तुम्हारे लिए में एक सपोर्टिंग रोल से अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने वाले क्षितिज कुमार ने राजस्थानी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं। इनमें से रामू चन्ना, राधु की लिचमी, म्हारी माँ संतोषी, ओडली चुनरिया, कन्हैयो, बीरो भात बढ़ने आयो, जवाई जी पावना और कलाकार की पराकाष्ठा से ऊपर बावलो पंडित रही हैं। राजस्थान की कला और सिनेमा में इनके द्वारा किए गए योगदान के लिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देती है और लेजेंडरी अवार्ड से सम्मानित करती है। गाँव गली बत्ती मैं फिरूं हरी मत्ती मैं जवानी तला मार रहा।
पानी डला मार ले और मड़ाई खा ले जिको मुंडे पर चूंटिया सा चिमके ओ चूंटिया तो मैं चिमका दे छूं अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाता हूं हिंदुस्तानी सिने जगत के फेमस फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा जी। सो हियर वी हैव कोमल नाहटा जी। एक बार जोरदार प्लीज जो ये बताता है कि कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। लेजेंडरी अवार्ड के लिए जोरदार तालियां। और जब भी मूवीज देखने जाते थे इन आर्टिस्टों को देखते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक ड्रीम सा होता है, एक सपना सा होता है यार, इस कलाकार से हम मिलेंगे, इससे मिलेंगे। सर प्लीज आप यहाँ आएंगे। सर क्षितिज जी यहाँ आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन द बिग पर्सनालिटी ऑफ सिनेमा क्षितिज कुमार। मन 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 थोड़ा छू के देख लू यार। सारे मर्दों को आज ही छुए गए। ध्यावस बढ़ गई साहब, ठंड बढ़ गई। अच्छा दूसरा वजह तो ताता जोर मार से ठंडक होगी। ये सर ये डायलॉग जोर से भाई का हिसाब से लगे दी क्या? नहीं नहीं भाई जी, राजस्थानी लोटियो है, कठिने भी गुड़ सके है, ताता ठंडा की तरफ नहीं। पर मैं भी मारवाड़ को पानी पियोड़ हूँ, चौनप्रास खाड़ो सर हूँ। आपको देखने से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, सच में ये सिनेमा का कमाल है। अच्छा उम्र का पता नहीं चलता और से तो ठीक है, पर आसे सुनर ज्यादा है राजी हुए। क्या बात क्या बात, इसी बात पर वो क्या कहते हैं ठोको ताली। मेरे लिए नहीं, कपिल के लिए और इधर सर के लिए। आई रिक्वेस्ट मिस कोमल नाहटा जो नवाजे क्षितिज कुमार जी को लेजेंडरी अवार्ड के साथ इन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट हाउस। एक बार जोरदार तालियां। मैं आज तो अभिभूत हूं, 80 से शुरू करियो करियर और राजस्थानी कलाकारों को संघर्ष को मैं उदाहरण हूं, अब तो पढ़े लिखे होकर भी। दो शब्द बोलूंगा, सबसे पहली तो आ कि संजना जी, नीरज जी, अनिल जी और आपके साथ जितना भी लोग हैं ना, हेड्स ऑफ फॉर दिस, ये जो प्रोग्राम है इसके लिए बार तालियां बजा दी। मैं लोग काम करता थे देखा ना देवर इथोपिया को सुलाग रही हूं सुपात्र विनिणी में और पछे बाबा जी बाटिया खेड़ो सुलाग रही हूं। तो दरअसल संघर्ष करता करता फिर जहां रोटी हाथ आओ लगी, इज्जत बने लगी, अच्छी रही हो। बट वट आई फील डीपली फ्रॉम माई हार्ट, इट्स ए बिगिनिंग ऑफ आईफा लाइक प्रोग्राम इन राजस्थान। हैट्स ऑफ फॉर योर प्रोग्राम एंड कीप इट अप, आई सैल्यूट यू। ग्रेट, थैंक यू सर। कोमल जी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी जो मैं बहुत समय से पूछना चाहती थी कि इतनी स्वीट स्माइल देके चीरफाड़ कैसे करते हो? ये देखो कितनी स्वीट स्माइल। सबसे पहले हंगामे मुजरो साहब, ये राजस्थानी फिल्म अवार्ड्स है इसलिए प्लीज अलाउ मी टू टॉक इन राजस्थानी। प्लीज जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, बहुत जरूरी है। मने अठे आयरबाद इतनी खुशी हुई है, इतो अच्छो प्रोग्राम, इतो अच्छो ऑर्गेनाइज करियो रो के बहुत बहुत मजो आयो है। और मैं एक्चुअली दो माइंड्स में हूँ, आऊं नहीं आऊं, पर मने यू लागे कि अगर मैं नहीं आता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। बहुत खुश हूँ कि आया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब चलते हैं उस अवार्ड की तरफ, क्योंकि अगर फिल्म में गीत ना हो तो फिल्म का मजा नहीं हो। राजस्थानी फिल्म का अगर म्यूजिक देखें तो वो आपको हर तरह का फ्लेवर देता है। yes. तो मीठा भी है, वो नटखट भी है, तो वो आपको थिरकने के लिए मजबूर भी कर देता है, तो कहीं कहीं वो आपको रुलाता भी है। लेकिन ये सारे शब्द जो पिरोते हैं उसके लिए कैटेगरी है बेस्ट लिरिक राइटर्स राजस्थानी एंड हिंदी। बताए रसूल अजमेर वाले
के जलता देश हमारा। फुलझा सिमसिम वाले पिटारे में किसका नाम है ये बताने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती कमला राठौर, प्रिंसिपल टैगोर पब्लिक स्कूल। उनके साथ एस के सुराना, कंप्यूकॉम जनक। अवार्ड गोज टू प्रीति उस दिशा में। प्रीति And the next award, best Rajasthani lyric writer, and the award goes to The award goes to Mr. Ram Kumar Singh for film Bobar. And Komal, would like to say something. Komal, please, Ajay. Zorda Tarian ke liye. And my friends, I am daughter of my Sanjana Sharma. एक बार जोरदार ताली छोटी सी परी के लिए, इस एंजल के लिए। इससे पहले कि अगली कैटेगरी की तरफ बढ़े, एल्बम्स म्यूजिक में एक ऐसा नाम हम आपको बताने वाले जो मैं कहूंगा कि नाम के तो मोहताज है ही नहीं यार। शहर, गांव, गली, मोहल्ला, ढाणी, हर जगह अपने एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्पेशल स्टाइल से सब लोगों को मैसेज देते हैं, देते रहे हैं। नाम है उनका दीपक मीणा, लेकिन पूरे राजस्थान के नाम से जिन्हें जानते हैं वो कहते हैं पन्नो। पन्निया से बड़े बस जोरदार तालियां जो हमें एक आनंद आगो। थैंक यू। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आज तो मारी आत्मा ही तरपत हो गई, इतना सबने देख रहे। आहा, आंखिया के मायने खुशी का आंसू निकल बे लाग गा। आइया तो दुनिया के मायने म्यूजिक कम कर जो प्लीज। आइया तो दुनिया के मायने बहुत सारी चीजा जे, और हर चीज आप आपकी जगह विशेष हक राखे जे, स्थान राखे जे। पर शिक्षा के बगैर भी जीवन जीवन को ने, और यह हमारी समझ में आई बंबई जार कि एक बार हमारा गांव के मायने आयो हीरियो, पढ़ियो लिखियो इंटेलिजेंट। गांव के मायने आए तो हमारी जीजी खेवे लगी भाई हीरियो आयो जी के साथ नौकरी कर बे जा। मैं जीजी ने खेवे लगे जीजी मुझके पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हीरिया पढ़े लिखे होते हैं, हीरे को जाने दो। लेकिन फिर भी जीजी बोली नहीं बेटा जा, तने मारी सोगन। और कह मैं हीरिया के साथ बंबई के मायने रवानगी देली म्यूजिक के साथ। अहिया म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक प्लीज, और ताड़े भी प्लीज। बंबई के मायने पहुंच गो, हीरियो मने ले जा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे लुड़का लुड़किया की लाइन में लगा दियो। खूब सारा लुड़का लुड़की खड़िया, नंबर आयो हीरिया को, और जिया हीरिया को नंबर आयो, हीरियो गयो मायने। और मैडम हीरिया ने देखता ही खेबे लगी, क्या लेने आए हैं आप यहां? हीरियो छो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, हीरियो खेबे लगे मैडम इंटरव्यू देने आए। तो बिड़ता ही पहली मैडम हीरिया से प्रश्न पूछ पे लगी, अच्छा आप ये बताइए हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हीरियो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, हीरियो कहने लगे मैडम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मैडम राजी है कि मैडम फिर हीरिया से प्रश्न पूछ पे लगी,
अच्छा आप ये बताइए, हमारा देश आजाद कब हुआ? हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो फेर के बला गए मैडम, पहला प्रयास 1857 में किया गया लेकिन पूरा हुआ 1947 में। मैडम फिर राज्य है कि मैडम फिर एरिया से तीसरा प्रश्न पूछने लगी। अच्छा आप ये बताइए, क्या हमारी पृथ्वी गोल है? हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो के बला गए मैडम, वैज्ञानिकों का मानना है लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ। अब था मैं कहीं बताऊं, बाहर गर्मी का मायने लुड़का लुड़किया की लाइन में मैं भी लाग रही हो, कोई मारा कपड़ा पकड़ पकड़ खींच रही हो, गर्मी में दुखी हो रही हो। हीरिया ने देखता ही मारी जान में जान आई और हीरिया ने देखता ही खेपे लग रहे, हीरिया कहीं पूछती है बुआ जी। हीरियो मने खेपे लगे, देख भाई पन्निया, यो आपनो गांव नहीं शहर छे, ये तीन बात थारा कान में बोल रही, जो तू भी जार बोल दे थारी भी नौकरी लाग जाएगी। हीरियो तीनों बात मारा कान में बोल दी और खे मैं भी मायने जाबे लगे, म्यूजिक प्लीज। आपा भी मायने गया और मायने जाता ही मैडम चारू मेर से मारा ढांचा को निरीक्षण करी। मैडम चारू मेर से मने देखर और मने खेपे लगी, क्या लेने आए हैं आप यहां? मैं मैडम ने खेपे लगे, भाई मैडम मुझके तो इंटरव्यू देने आए। तो मैडम मने देखता ही खेपे लगी, अच्छा आप ये बताइए आपके दादाजी का नाम क्या है? मैं मैडम ने खेपे लगे, भाई मैडम मुझके दादाजी का नाम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैडम फिर मैंने खेपे लगी, क्या कहा? मैंने बस एक ही बार खाला। फिर मैडम मैंने देखता ही खेपे लगी, अच्छा आप ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? मैं मैडम ने फिर खेपे लगा कि मैडम पहला प्रयास तो 1857 में किया गया और पूरा हुआ 1947 के मायने। मैडम फिर खेपे लगी, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। मैं मैडम ने फिर खेपे लगी, ऑब्जेक्शन, वैज्ञानिका का तो मानना है पर भारतीय प्रमाणित नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कोरियोग्राफर राजस्थानी हिंदी, लेकिन हम नॉमिनेशन से पहले ये भी देखना चाहते हैं। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है की बोलचे? ओ तेरी 60 की बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाक सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने, लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय।
होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले सच सच MDH। जम के खाओ खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। For the love of racing, Apache RTR 180. क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? No chance, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क, ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण, सिर्फ दी मरुधरा। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कोरियोग्राफर राजस्थानी हिंदी, लेकिन हम नॉमिनेशन से पहले ये भी देखना चाहते हैं। नॉमिनेशंस और देखते हैं खुलजल सिमसिम के बिचारे से किसका नाम निकलता है। We have with us मनोज फोगाट और कपिल जहांगीर। Let's see. And the first award in Rajasthani choreographer best award and goes to Mr. Aslam Khan और जी की फैमिली को। थैंक यू सर, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, टेक योर सीट, थैंक यू। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साईभान, और आगे हम आपको लेकर चलने वाले एक खूबसूरत परफॉर्मेंस की तरफ। और ये परफॉर्मेंस में बता दूं उसकी खास बात क्या है, मॉनसून जा चुका है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को देख के आपको थोड़ा थोड़ा आभास होगा, क्योंकि मॉनसून जब आता है तो हमारी दादी नानी कहती थी कि तुम्हें मोर नाचता हुआ नजर आएगा, तो समझो कि बरसात आने वाली है। तो यहाँ वैसे तो कहीं मोर नजर आ नहीं सकता, लेकिन इस परफॉर्मेंस को देख के आप थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मानसून का एहसास जरूर होगा। और ये है मयूरी नृत्य। Thank you.